नमस्कार, बिहार मेडिकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें कि बाढ़ आने से पहले मंत्री संजय झा का मिथिलांचल का दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। जल संसाधन मंत्री के रूप में अपने पहले रीजन में उन्होंने इस तरह कार्य किया, बाढ़ तो आई लेकिन कहीं से कोई तटबंध नहीं जुटा फॉर द वाटर लॉगिंग। हम बता दें कि अब इस वाटर लॉगिंग को दूर करने के उद्देश्य से मंत्री संजय झा लगातार दौरे कर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो ही इस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं कि सबसे पहले वो उस तटबंध या बाढ़ आने के संभावित स्थलों का निरीक्षण करते हैं, चाहे वो जयनगर हो, चाहे निर्मली हो, या फिर झंझारपुर और दरभंगा के रसियारी से लेकर के हायाघाट हनुमान नगर तक, सभी जगह वहां के स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करते हैं, फिर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठ करके पूरी तरह रणनीति तैयार करते हैं। उसके बाद वो अभियंताओं, ठेकेदारों पर भी स्थानीय लोगों के मार्फत से अपनी तीसरी आंखें लगाए रहते हैं ताकि वहां किसी तरह की गड़बड़ न हो। तो रीजन टू में मंत्री संजय झा बाढ़ से पहले ही समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं रसियारी। रसियारी उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जब से वो आए हैं तब से वो बाढ़ से सुरक्षा एवं लोगों के जान माल की सुरक्षा को लेकर के वो अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, संजय झा सबसे पहले पहुंचे हैं रसियारी, उसके बाद आज कई कार्यक्रम उनका हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले रसियारी, उसके बाद आज वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में भी उन्होंने निरीक्षण करके कई अहम बातें, क्योंकि काफी दिनों के बाद संजय झा एयरपोर्ट पर विश्लेषण करने पहुंचे। संजय जी के लिए हमारी इसी जगह आकर के इंटरव्यू किए 11 जून को हम मंत्री बने हुए, मुझे हुआ था एक सप्ताह 2 जून को किए थे। हाँ, अच्छा, और 11 जून में आए और हम पूछे कि भाई कम से कम ये हम लोग का योजना है घर गए तब ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। कहा गया कि विभाग के द्वारा की एकदम सब काम बहुत बढ़िया, पूरा सुरक्षित रहेगा। आप पूरा जुलाई में पूरा का पूरा कमला टूट गया उसी समय, यह अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। उसके बाद से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर तो जरूर कह सके विभाग का तरफ से जो दोनों हाल और फूटो नेत्र में हम सब इन सवाले उठे आप जो काज भर रहे हैं, काज से इधर बाढ़ से सुरक्षा होने पर और बाढ़ में जो हम रोड भर लेते दुकान दुकान नहीं लगती है लेकिन जमीन का राजनीति नजदीक से समस्या का बुझेगा निदान करेगा जीवन में हम शुरू करो से रही ढंग से हमको रसियारी बैठ से शुरू भावना से हम सबका जे बाबा बजराज करके पास हम चल हिसाब से कार्य करने का प्रयास करें। बाढ़ पे अलर्ट होगा क्या परिस्थिति बन रही है क्या और करना चाहिए, मैंने अभी ड्रोन की बात अगर उन्हें स्कैनिंग करके आया बात और नहीं पता रहेगा कि कहीं मुद्दे की स्थिति है। तो आज को इस कार्यशाला हम पटना से निकाल के दरभंगा में लेके आए, ये सब कार्यशाला होता था पटना, हम दरभंगा में चलते हैं जहाँ समस्या ज़्यादा है बाढ़ का, वहीं बैठ कर डिस्कस की। आज कार्यशाला यहाँ हो रहा है, हमारे विभाग के सारे जो इम्पोर्टेंट अलग का चीज देखते हैं वो सारे आज आए हुए हैं, उनका ट्रेनिंग हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग हो और बेसिकली डेटा जो है सारा डेटा एक प्लेटफॉर्म पे। लोगों को मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए थे और एक एक चीज खुद देख करके गए, ये बाहर भी जो देख रहे हैं आप जितना व्यू बिल्कुल दिखाई पड़ता था ये फिर वो बिहार सरकार से इसको करवाए और उन्होंने कहा था कि क्योंकि अब जानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पे देश का उड़ान स्कीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट इमर्ज किया है, जितने पैसेंजर यहाँ पर पूरा उत्तर बिहार के आते हैं। और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई इसका पूरा प्रोटेक्शन कीजिए, जो कहीं से भी कोई संभावना ऐसा नहीं हो कि रनवे पर पानी चला जाए। पानी 4 महीना 5 महीना यहाँ फ्लड रहता है, पता है आप सबको, और उसमें अगर चला गया और फ्लाइट कैंसिल हो गया, कोई समस्या हो गई, तो इसको पूरा स्ट्रेंथन किया है, चारों तरफ रिंगवान मान ढलाई हो गया है। और आज हम लोग आए थे क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी से ही करवाना है, आज हम लोग आए थे कि जो साइड में बना हुआ है वो मिथिला पेंटिंग का कुछ ब्लॉक्स बना करके, क्योंकि पूरा देश दुनिया के
मिथिला समाज के लोग इधर आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, नेपाल तक के लोग आते हैं, तो उनको एयरपोर्ट को एक झलक मिथिला का भी मिले। अब संजोग की बात है कि ये पूरा एरिया जो कवर करना है वो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार को ही करना है, पूरा एम्बैंकमेंट जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। प्रॉब्ली देश का ये अकेला एयरपोर्ट होगा, दूसरा एयरपोर्ट देश में नहीं है जहां जल संसाधन विभाग इस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लड से। तो ये चार महीना ये प्रोटेक्ट रहे इसके लिए बन गया, ये एंटी फ्लड पुलिस फंक्शनल है, इसलिए अब कोई बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। आज हम लोग आए तो कम से कम जो 7-8 ब्लॉक जो आर्टिस्ट है मिथिला पेंटिंग के वो लोग यहाँ डिस्प्ले किए हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन मिथिला आर्ट का अलग अलग वर्जन जो है वो जो 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 आपको रिंग बांध बना है उस पर उसको उसके नीचे में जो है उसको बनाया जाएगा। अगले 3-4 महीना में ये काम कम्प्लीट हो जाएगा।